अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राहिल अहमद बेग। एलेक्सा ट्रेनिंग में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूसली हम लेकर चल रहे हैं। जो हमने इलस्ट्रेटर का पहले आपने वीडियो देखी, उसको होप्स हो कि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी की होगी और अंडरस्टैंड भी किया होगा कि हम किस तरह से बआसानी इलस्ट्रेटर को टेकअप कर सकते हैं। उसी की कंटिन्यू है, हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर वर्किंग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो क्या हैं कि देखें, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका टारगेट होता है, आजकल बन चुका हुआ है, या आप कह लें कि ऑनलाइन के हवाले से चीज़ों के, कि हमने अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, और फाइवर हमें इतने पैसे दे रहा है, वो हमें इतने पैसे दे रहा है। देखिए, पैसा इज़ नॉट अ डील। पैसा आपके पास आता जाएगा अगर आपकी स्किल्स, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज बिल्डिंग, आपकी इन्वायरमेंट, आप जिस डेजिग्नेशन पे काम करके मूव ऑन हुए हैं। तो पैसे की तरफ भागने की बजाय आप अभी से क्या करें कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी, आप क्रिएटिव माइंड से उसको मूव नहीं करेंगे, आप आइडियलाइज चीज़ों को नहीं करेंगे, या क्लाइंट को या किसी को भी आइडिया नहीं शेयर करेंगे, तो तब तक आपकी चीज़ें सिलेक्शन में नहीं जाएंगी। इवन के क्लाइंट मोस्ट ऑफ टाइम ये भी पूछता है कि आपने जो चीज़ बनाई है इसको एलैबोरेट करें। तो जब तक आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे, एलैबोरेट नहीं कर सकें, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो आपका डिज़ाइन हो, चाहे वो किसी पिक्चर के अकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट को आपने उसमें प्ले किया हो, तो वो जब तक आप उसकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं करेंगे, स्टोरी को बनाएंगे नहीं, तब तक आपका डिज़ाइन, आपकी चीज़ें जो है ना, वो जीरो होती चली जाएंगी। इस सेंस में कहते हैं कि स्किल्स होने के बावजूद, यानी कि आपने बड़ा अच्छा इलस्ट्रेटर किया, बहुत अच्छा फोटोशॉप किया, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन बैकएंड स्टोरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपके डिजाइंस की इवैल्यूएशन नहीं होगी। इसलिए स्किल्स को इम्प्रूव करें, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, अपनी थिंकिंग लेवल को, विजन को स्ट्रांग करें, ताकि आपके डिजाइंस को कम्युनिकेट करके आप उसको प्रूव करवा सकें। तो चलिए चल के देखते हैं आज की वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, या आपको ये मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अगर चाहें तो उसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उसके मुताबिक मुझे। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था दो सेशंस में, उसमें हमने कुछ बेसिक शेप्स बनाना सीखी, और उसके बाद हमने जो एडवांस लेवल पे शेप्स को प्रैक्टिस की वो थी शेप टूल, और उससे हम मल्टीपल रैंडम या कुछ भी जो है हम ट्रेस आउट कर सकते हैं, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, इवन के हम किसी भी शेप को जो है वो रिसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। ये दोनों चीजें जब हमने सिलेक्शन ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया, हम कैपेबल हैं कि हम किसी भी डिजाइन की एटलीस्ट लेआउट पिकअप कर सकें, रीड्रॉ कर सकें, और इवन के किसी स्केच को या सिंबल फॉर लोगो पर्पस उसको जो है वो हम एड ऑन कर सकें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक स्टेप जो है वो कहने कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड कि हमने लोगो बनाने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट की तमाम चीजों को जो है वो स्टडी कर लिया। क्योंकि लोगो बनाते वक्त आपको टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, शेप्स की जरूरत पड़ती है, कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है। आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की स्टडी, कि टेक्स्ट को कैसे हम टेकअप कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम रीमॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये स्टेप की स्टडी कर लेंगे तो आप लोगो डिजाइनिंग की तरफ जो है वो मूव कर जोगे, फिर इससे नेक्स्ट जो हमारा मंडे को जो सेशन होगा उसमें हम लोगो मेकिंग की स्टडी करेंगे प्रॉपरली। आज भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन प्रॉपर लोगो की जो होगी वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, कितने किस्म के होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम एग्जीक्यूशन देखते हैं कि टेक्स्ट के हवाले से हम कैसे इसको टेकअप कर सकते हैं। गॉट इट, सबको समझ आई? यस सर। ओके जी, टेक्स्ट टूल, अगर आप यहां से आप टेक्स्ट को पिक कर लीजिए टूल को, या फिर आपने अगर कोई भी टूल पिक किया हुआ है तो टी प्रेस करोगे तो ये टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नोट के सर, ग्राफिक डिजाइनिंग में
या ये कह लें कि ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स में जो टेक्स्ट है वो दो तरह से लिखा जा सकता है। एनीवन, किसी को पता सर? एक तो आर्टिस्टिक और एक और ग्राफिक टूल। नहीं, एक तो हो गया आर्टिस्टिक, दूसरा सर ग्राफिक टूल। एक होता है आर्टिस्टिक और दूसरा होता है पैराग्राफ। और से देखिए, आर्टिस्टिक कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ। भाई इतने लंबे सांस किसको आ रहे हैं? जम्मर माइक भाई, मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, आर्टिस्टिक सबसे पहले हम करते हैं प्रैक्टिस आर्टिस्टिक की। यस सर। टाइप टूल सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो है यहाँ पर कहीं पर भी आप वन क्लिक करेंगे तो देखिए वहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि कर्सर डिफाइन करता है और कहीं पर जो है ये आपका लॉरियम इप्सम चुका जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जब आप टाइप करेंगे, ठीक है, अभी देखें मैं यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट टाइप करने के बजाय अगर मैं कुछ टाइप करता चला जाऊं तो ये कहीं कभी भी नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा जब तक आप खुद से एंटर नहीं करोगे। लेकिन जब तक आप एंटर नहीं करेंगे ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं होगा। गॉट इट? जबकि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ की बेसिक डेफिनेशन ये है कि उसकी राउंड साइड पे बाउंड्री क्रिएट होती है। क्या, ये देखें आप क्लिक करके ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक अ बॉक्स, लेकिन ये जो बॉक्स ड्रॉ होगा ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा, यानी पैराग्राफ सेटिंग। अब अगर आप इसमें टाइप करेंगे तो देखिए बोथ साइड्स आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, वहां से नेक्स्ट लाइन में ऑटो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट कौन सा होता है जिसमें बाउंड्री ना हो और उसको आप डिजाइन एंड से खेल सकें, और जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है उसके चारों साइडों पे आपको टेक्स्ट बॉक्स बाउंड्री जो है वो प्रेजेंट होगी। क्लियर? यस सर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे हमारे पास देखें, जब आप टेक्स्ट टूल से यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी हम बात करते हैं आर्टिस्टिक की, उसके बाद हम पैराग्राफ की सेटिंग्स को देखेंगे। पहले हम आर्टिस्टिक की सेटिंग्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने टाइप कर लिया। और एक चीज ख्याल रखिएगा, एक डिजाइनर को कंपोजिंग भी आनी चाहिए, यानी कि उसकी स्पीड जो है टाइप करने की वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो अपने फ्लायर्स या उसको जो बनाने के लिए जो भी दिया गया है वो अगर रिटन मटेरियल आपके पास नोटबुक में है तो उसको टाइप प्रॉपरली कर सके। ठीक है, और अगर आप लोगों की टाइपिंग प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। तो टाइपिंग प्रॉब्लम्स जो है उनको आप अपनी दूर कीजिए और प्रॉपर टाइप करने की ऑप्शंस पे नोट कीजिए। जब आप ये सेशंस अल्लाह करे जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर हो जाए, जब आप प्रॉपर क्लास में आ जाएंगे तो तब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा कंपोजिशंस के, कि आपने जब भी कोई पैराग्राफ या कोई बुक टाइप करनी है, इवन 10 पेजेस 20 पेजेस 50 पेजेस टाइप करने हैं तो उसके लिए प्रॉपर राइट वे कौन सा होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ डिजाइन करता है। मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे काम भी मिल जाते हैं जो आपको फ्री के पैसे देते हैं, और वो होते हैं कि आपने कोई बुक टाइप करके देनी है 20 पेजेस या एनुअल रिपोर्ट या प्रोफाइल जो है वो आपने जब टाइप करनी है तो उसके अलहदा से चार्ज भी किए जा सकते हैं। तो इंग्लिश के एक पेज को टाइप करने के 15 से 20 रुपये मिलते हैं, कभी कभी 25 से 30 रुपए भी चार्ज किए जा सकते हैं।
तो अगर आप देखें 50 पेजेस अगर आपके पास आ गए टाइप करने के लिए तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कहाँ तक चलती है बात। तो आप अगर एक टाइटल डिजाइन करते हैं उस पर कुछ स्केच बनाते हो उसके बाद इंटरनल पूरा कंप्लीट करते हो तो टाइटल डिजाइन 3000 रुपीस भी चार्ज किया जाता है एक पेज को टाइप करने के 15 to 2000 चार्ज किया जाता है। तो अगर आपने 20 पेजेस बनाए हैं तो आप 2000 को पर पेज मल्टीप्लाई करें और इवन के टाइप करने के जो है उसके अलहदा से चार्ज करें तो देखें आप 50-60,000 के ऊपर स्टैंड अप करते हैं एक प्रोफाइल या एक एनुअल रिपोर्ट इस तरीके से टाइप करने के या उसकी सेटिंग करने। तो आप ये एक एनुअल रिपोर्ट 50-60-70 पेजेस की होती है। आप मेरी बात को समझे? जी सर। यस सर। ओके, अभी देखें कि मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया है। अब हम टेक्निकली प्रोफेशनली चीज पे उठ के हम अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की तरफ। अब एक चीज को समझना है आपने कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो जब आपने यहाँ पे टाइपिंग कंप्लीट कर ली जब आपने टाइपिंग कंप्लीट कर ली करने के बाद आपने इसकी ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं करना बल्कि जब तक आप इसको फिनिश नहीं करोगे यानी सिलेक्ट टूल पकड़ लो तो आपका ये टेक्स्ट टूल जो है वहां से निकल के अब आप सिर्फ उसको हैंडल कर सकते हो टच कर सकते हो पिकअप कर सकते हो मूव कर सकते हो ठीक है। लेकिन अगर इसके रिसाइज करना है आपने तो ये भी देखें बाउंड्री क्रिएट हो रही है जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ जाती थी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको भी सिलेक्ट करोगे शिफ्ट प्रेस करना है आपने कभी भी रिमेंबर दिस इसको अपनी डायरी में लिख लें इसको अपने माइंड में बिठा लें कि कभी भी टेक्स्ट को और पिक्चर को बिना शिफ्ट प्रेस किए आपने इनलार्ज या डिक्रीज नहीं करना। टेक्स्ट को और पिक्चर को कभी भी बिना शिफ्ट प्रेस किए देखिए अगर मैंने शिफ्ट के बिना इसको कॉर्नर से पिक किया है तो आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये वर्ड जो है कुछ इस तरह से हो सकता है क्या ये स्टैंडर्ड वर्क ठीक लिखा गया दिखाई ठीक दे रहा है गलत हो गया इसको कंट्रोल जी करता हूं शिफ्ट प्रेस करता हूं अब इसको इनलार्ज करता हूं तो देखें वो टेक्स्ट की शेप जो है वो प्रॉपरली कायम ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके किसी भी कॉर्नर से आप इसको कम भी कर सकते हो और इनलार्ज भी कर सकते हो तो जब आप इसको इस तरीके से लेकर आओगे तो क्या होगा कि आपकी जो भी सेटिंग्स हैं वो खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने शिफ्ट प्रेस नहीं किया तो देखें आपकी वो शेप जो है वो खराब हो सकती है। क्लियर? अभी बॉक्स बॉक्स बनाए बगैर टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए? नहीं, बॉक्स जो है वो अगर आप यहां से टेक्स्ट टूल को जब सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटो डिफाइन होगा उसके लिए बॉक्स लगाना जरूरी नहीं है। उसके लिए बॉक्स लगाना जो है वो जरूरी नहीं। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ एक वर्ड को जो है वो टेकअप किया। अब हम इस लाइन को टेकअप करते हैं ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको भी अगर आप इनलार्ज कर रहे हो तो अगर आपका माउस की प्रैक्टिस ठीक नहीं होगी तो देखें वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लोगे आपका माउस हिल भी जाएगा, देखिए हिल भी जाएगा तो आपका जो सेंटेंस है जो शेप है वर्ड्स की लेटर्स की वो खराब नहीं हो रही। आप किसी भी साइड से इसको पिक करो। इसी तरह से अगर आपने शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस कर लिया तो आप किसी भी कॉर्नर से इसको क्लिक करके ये देखिए प्रोपोर्शनली इनलार्ज भी कर सकते हो और उसका साइज कम भी कर सकते हो। तो सर मैंने ऐसा किया तो वो पूरा बोर्ड आर्ट बोर्ड ही मूव हो रहा है? नहीं, वो आपसे ना वो पिकअप ठीक नहीं हुआ, आर्ट बोर्ड को नहीं करना। आप जब टेक्स्ट लिख लोगे तो उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए मूव टूल यानी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके उस वर्ड को सिलेक्ट करें। देखें इसके ऊपर आकर क्लिक करोगे तो सिर्फ उसकी सिलेक्शन होगी, फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसके मुताबिक आप। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे लेक्चर में यह बताया था कि जब आप सिलेक्ट करोगे कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि आपने यहां से ये जब बॉक्स लिया है तो ये बॉक्स आपने ड्रॉ किया
आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे इक्वल बॉक्स स्क्वायर बॉक्स आएगा, ऑल प्रेस करोगे तो प्रोपोर्शनल सेटिंग होगी उसकी या ड्रॉ होगा। सेम वही रूल जो है वो देखिए टेक्स्ट के ऊपर भी है, शिफ्ट एंड ऑल्ट करोगे प्रोपोर्शनली होगा, सिर्फ शिफ्ट करोगे तो आपके सामने एक सेटिंग के मुताबिक जो है वो पिकअप किया गया। लेकिन सर फोटोशॉप के वो न्यू वर्जन में वो चेंज हो गया, आप शिफ्ट करें तो आप जो है उस तरह मूव नहीं होता, प्रोपोर्शनली नहीं मूव होता। उसकी सेटिंग्स भी, उसकी भी सेटिंग्स में जाके वो चीजें जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ सकती हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में कर दिया हुआ। होता क्या है कि मार्केट में एक कंडीशन को देखा जाता है कि मार्केट में वर्किंग कैस किस स्टैंडर्ड्स के ऊपर की जाती है, किसकी नीड्स ज्यादा है, सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग जो थे ना वो कंट्रोल जी को अप्लाई करना पसंद करते थे, बाकी ऑप्शन की उधर करते थे, उन्होंने उसमें जो है वो ऑप्शन कर दी कंट्रोल सी, कंटिन्यूसली आप अप्लाई कर सकते। सर नाश्ता कब करा रहे हैं आप ये बता दें, जनाब हुक्म करो कब करना चाहते हैं। क्लासें आपने बंद कर दी हैं, क्लासें बंद है, नाश्ते भी बंद है। सर पैसे इसको देना लेके भाग जाता है हर दफा। भाई कब ऐसा हुआ कि तुझे दो से कम नान मिले हो, जाने दे। सबसे अच्छे नाश्ते जो है ना वो हैकल एंड जैकल की जोड़ी जो है ना वो करवा दी। हाँ इनको इनको नहीं पता सर, वो इनको नहीं पता, वो या बारास्ता राइमंड आए थे ना जिसकी हमको बहुत भूख लगती है। अच्छा जी वापस आते हैं सेशन ये वाला जो है ना, अभी थोड़ी देर एंड होगा तो याद रखिएगा जैसे ही सेशन एंड होगा मैं इस रिकॉर्डिंग को सेव करूंगा, सेव के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो आपने जाना नहीं है। ओके सर। ओके जी यहां तक पता है, कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट चले? Yes, sir. Okay. अब हम next चलते हैं। अब देखें कि हमने ये टेक्स्ट जो है ये टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, यहीं पे अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करोगे तो देखें ये करेक्टर की ऑप्शंस जो हैं और पैराग्राफ की ऑप्शंस जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगी। और अगर ये आपके पास यहाँ पर भी नहीं है तो फिर आप विंडोज मेन्यू में जाकर यहां से देखें ये टाइप और ये करेक्टर, वहां पर देखें ये तमाम ऑप्शंस मौजूद, ठीक है? वैसे तो अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो कंट्रोल टी प्रेस करने से ये ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। इवन के अगर आपके पास, जैसे मैं बात करता हूँ 16, 17, 18 वर्जन की बात करते हैं, 19 वर्जन की बात करते हैं, तो राइट साइड पे जो आपको पैनल दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर्टीज पैनल है। अगर आप यहां से ये कंट्रोल टी नहीं भी करोगे तो फिर भी आपके सामने यहां पर ये तमाम ऑप्शंस ऐड होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी अब हम देखें yes, sir. सेलेक्ट करके हम कंट्रोल टी वाली ऑप्शंस को जरा ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि सबके पास जो है ना वो ये वाली ऑप्शंस जो है वो कंटिन्यूसली एड ऑन होंगी, जबकि आप प्रॉपर्टीज राइट साइड से भी ले सकते हो। ओके जी यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि राइटिंग स्टाइल जिसको फॉन्ट बोला जाता है, दुनिया में इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स मौजूद हैं, ठीक है? बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं वो फ्री में भी मिल जाते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉन्ट्स जो हैं वो आपको खरीदने भी पड़ते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स के ऊपर वर्किंग की जाती है कि जो परचेज किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज और पाकिस्तान की कुछ लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो कुछ फॉन्ट्स जो है वो खरीद भी लेते हैं, लेकिन अभी भी रेशियो फ्री फॉन्ट्स इस्तेमाल करने की है। सर सॉरी आपने ये किसको प्रेस किया, राइट साइड की प्रॉपर्टीज में किस पे गए हैं? ये देखें ये जो कंट्रोल टी करने का, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये देखें ये करेक्टर जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसमें ये देखें जो भी आपके पास फॉन्ट सिलेक्ट हो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लिस्ट ऑन हो जाएगी कि आपके पास मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स मौजूद है। ठीक है आपको जो राइटिंग स्टाइल चाहिए वो आप टेकअप कर सकते हो। उसके नीचे अगर उस फॉन्ट की फैमिली
अब फॉन्ट की फैमिली समझ लीजिए कि एक फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीजें ऑप्शन मौजूद होंगी तो दैट्स कॉल ये उसकी फैमिली है। जैसे कि ये देखिए, ये एरियल फॉन्ट है, एरियल फॉन्ट पे क्लिक करें तो नीचे आपको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड एंड इटैलिक, तो ये एरियल फॉन्ट की फैमिली है। बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जिनकी फॉन्ट्स की फैमिली मौजूद है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हेल्वेटिका है, हेवेंटिका है, इन जैसे फॉन्ट्स की फैमिली की तादाद ये देखिए कितनी सारी फॉन्ट्स की तादाद है, ब्लैक, ब्लैक, बोल्ड, ओप्लैक, रोम, रोमन, लाइट, लाइट ब्लैक, कंडेंस्ड, लाइट कंडेंस्ड, ये देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स की फैमिली मौजूद होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कौन सा फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल करें, इसका क्या जवाब देंगे? जी दोबारा बताइए। फॉन्ट ऑप्शन सर मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश की है प्रॉपर्टीज में जाके। ई करें ना आप तो देखें राइट साइड को ऑप्शन आ जाएगी, करेक्टर की फर्स्ट वाली ऑप्शन है। कंट्रोल टी आपने कहा ना? जी जी कंट्रोल टी। इसमें करेक्टर्स आ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहा है, ओपन टाइप आ रहा है। जी जी बिल्कुल, वो करेक्टर में आए ना, करेक्टर में सबसे ऊपर जो देखें वो देखें लिखा होगा, यहां पे इस लिस्ट को ऑन करेंगे तो फॉन्ट आ जाएंगे। जी कौन बताएगा कि हमारे पास फॉन्ट जो मौजूद हो को हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला फॉन्ट होना चाहिए? डिजाइन के हिसाब से। ओके, कोई और बताना चाहे? कस्टमर की रिक्वायरमेंट, मुल्क, मुल्क के हिसाब से सर। ये जेंडर्स के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है, बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे जिस तरह, बच्चों के लिए कुछ बचकाना टेक्स्ट होगा, कार्टूनिश के लिए थोड़ा कार्टूनिश टेक्स्ट होगा, फिर लेडीज जिस तरह का वो उनकी पर्सनैलिटी की बेस पे भी फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आप काम किस तरह का करेंगे तो उस जो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से भी, जैसे सैलून के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सैलून में जरा स्टाइलिश फॉन्ट यूज होगा, काइंड ऑफ इस तरह की सेंस यूज होगी आई थिंक। जी फयाज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमजा फयाज, कि आप फॉन्ट को जो चूज करोगे वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस के मुताबिक करोगे, यानी कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो तो आपको फैशनिस्ट जो है वो फॉन्ट्स चाहिए होंगे, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्मूथ जो है वो आपको फॉन्ट्स सिलेक्ट करने होंगे। तो फॉन्ट्स की सिलेक्शन एज पर प्रोफेशन की जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप लोगो बनाओगे तब देखें, जैसे वर्किंग हमने ये लिखा हुआ है तो वर्किंग किस बिजनेस का नाम है, वो बिजनेस करता क्या है, ये सारी चीजें जब हम लोगो में करेंगे उसमें आपको मैं डिफाइन करूंगा, तो उसके मुताबिक फिर आप जो है वो लोगो सॉरी फॉन्ट जो है वो आप सिलेक्ट करो, ठीक है। इसलिए फॉन्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं, हम यहां से देखें कि हमने फॉन्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस करेक्टर की ऑप्शंस में देखें कि एक तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी कि शिफ्ट प्रेस करें और कॉर्नर से पिक करके आप इसको इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि डिक्रीज भी कर सकते हो और आप उसको इनलार्ज भी कर सकते हो, ये फॉन्ट स्टाइल है। और अगर आप फिक्स फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आपने 10 पे लेना है, 11, 14, 18, 21, जितने भी आपको चाहिए, आपको साइज चाहिए उसके मुताबिक आप इस फॉन्ट को फिक्स रख सकते हो। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंटिंग फॉन्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है 3 PT से, यानी कि 3 PT एटलीस्ट फॉन्ट का साइज हो तो प्रिंटिंग में विजिबल होता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड जो आपकी रीडिंग स्टैंडर्ड रीडिंग जो होती है वो आपकी 1 से 1.5 feet होती है, तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है 6 to 7 PT से, और न्यूज़पेपर का जो रीडिंग है वो उसकी 9 PT फॉन्ट स्टाइल लगा होता है। रिमेंबर,
याद रहेगा? यस सर। न्यूज़पेपर, मैगजीन जो आप रनिंग टेक्स्ट देखते हो वो 9 PT लगा होता है। जी सर, ये टाइमिंग आ रही है 2 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, मीटिंग एंड हो रही है। हाँ जी, यही मैं बताने लगा कि अब जैसे ये एंड हो जाएगी ना, तो मैं ये रिकॉर्डिंग सेव करने के बाद दोबारा रीजॉइन करूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। रीडिंग का क्या पीटी बताया था आपने? सॉरी, रीडिंग के लिए कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेशियो बता रहा हूं, 6। नॉर्मल पर्सन जो है उसका रीडिंग डिफरेंस जो है ना, एक न्यूज़पेपर, बुक या उसके जो होता है वो 1 फीट से लेके 1.5 फीट तक होता है। ठीक है, तो उसमें 9 PT बहुत सफिशिएंट होता है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो टेक्स्ट को हमने टाइप किया, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफिकल टेक्स्ट। इस वक्त में ये जो टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम इनलार्ज करते हैं, और यहाँ से हमारे पास करेक्टर की ऑप्शन में राइटिंग सेट का फॉन्ट साइज था। राइट साइड पे जो हमारे पास है इसको कहते हैं लीडिंग साइज। लीडिंग साइज क्या होता है, देखें मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो वर्ड है वो और लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर 3 लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर लिया। अब हर लाइन में देखें एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कुछ गैप है। अगर आप यहाँ से राइट साइड पे क्लिक करें तो ये होती है लीडिंग। एक लाइन की या एक जो पैराग्राफ में मौजूद जितनी भी लाइंस होंगी उनका एक दूसरे से जो डिस्टेंस होता है उसको लीडिंग स्पेस बोला जाता है। ठीक है, लीडिंग स्पेस अगर आप उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो ये देखिए ये राइट वाले पैनल से जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये 72 PT तक ही है, अगर आप यहाँ पर इसको इंक्रीज करना चाहो तो खुद से टाइप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने 200 लिख दिया, तो 200 लिखा है तो हमारे पास उसकी स्पेस जो है वो ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, एग्जाम्पल 10 कर देता हूँ, स्पेस जो है वो कम होगा। अब मोस्ट ऑफ टाइम आपको अपनी स्पेस के मुताबिक जो है सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने ये बॉक्स लगाया, बॉक्स लगाने के बाद आपने जो है इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के मुताबिक सेट करना है। अब आपको ये सही तौर पे जनरेट नहीं होगी कि आप कहां पर इसको जो है वो सेटल करेंगे तो ये सेट होगा, तो आप कर सकते हैं ऑल्ट की प्रेस करेंगे और आपके कीबोर्ड में राइट साइड पर 4 एरो कीज है। अगर आप डाउन एरो की को प्रेस करोगे तो देखिए इंक्रीज हो रही है स्पेस। ये देखिए ये स्पेस जो है ये इंक्रीज हुई, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जो है उस बॉक्स के मुताबिक आपने स्पेसेस को सेट कर दी। और अगर आपने इसको कम करना है तो ऑल्ट की प्रेस करें, अप एरो की करेंगे तो ये देखें स्पेस जो है वो कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्पेस को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। समझाई लीडिंग स्पेस की। अब इसी तरह से हमारे पास नीचे वाला जो पैनल है उसको कहते हैं ट्रैकिंग स्पेस। ट्रैकिंग स्पेस जो है वो लेटर्स की स्पेसिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए -100 करता हूँ तो देखिए वो माइनस हो रही है, कम हो रही है। और अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो देखिए 200 पे ट्रैकिंग स्पेस जो है वो ज्यादा हो गई। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 200 पीटी की है, आप यहाँ पर देखें मैं तो 500 लिख देता हूँ तो देखें उससे भी ज्यादा हो गया। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड रखना चाहते हो तो इनको ऑन कीजिए 0 और यहाँ से सिलेक्ट करें ऑटो। ये अब एक बाय डिफॉल्ट राइटिंग स्टाइल या राइटिंग सेटिंग के मुताबिक जो है टाइप किया जाएगा या टेक्स्ट ऐड। हमारे पास ऑप्शन थी ऑल्ट को प्रेस करके अप एरो की करेंगे तो स्पेस कम होगी लीडिंग स्पेस, डाउन करेंगे तो ज्यादा। अगर आपने ट्रैकिंग स्पेस को कंट्रोल करना है तो ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो की इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए ट्रैकिंग स्पेस ज्यादा हो रहा है। सर सिलेक्ट एक टेक्स्ट को करके भी वो ट्रैकिंग स्पेस है एक की भी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है?
जी एक लेटर को सिलेक्ट करके भी हो सकता है, यानी कि एक वर्ड को अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने इसकी एक डुप्लीकेट वर्किंग को अगर डुप्लीकेट लेके मैंने सब डिलीट कर दिया, सिर्फ अब ये एक है। अब इसमें लिविंग स्पेस का तो ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे तो हमारे पास टेक्स्ट ही नहीं है, तो ये ट्रैकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखें स्पेसेस इंक्रीज भी कर सकते हो आप, ऑल्ट प्रेस करके राइट एरो की लेफ्ट एरो की करेंगे तो स्पेस कम होगा। यस सर, सर जी सारों कह दें अपना माइक बंद कर दें क्योंकि आपकी आवाज डबल ट्रिपल होने लग गई है। मैं कर देता हूं, सिर्फ बात करने का कर लें, ठीक हो जाएगी, पहले बिल्कुल ठीक थी। सारों के माइक होने सर अभी इस टाइम ओके जी, नेक्स्ट सेट आ रही है आवाज, ठीक है समझ आई। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग स्पेस और लीडिंग स्पेस दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप यहाँ पर इसको जीरो कर लीजिए और यहाँ पर इसको ऑटो कर लें, सेम मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ ऑटो और इसको कर देता हूँ जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये देखिए वर्टिकल स्केल, ये है 100%, आपका ये 100% ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शंस अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उसको सेटल नहीं करते, जिससे नेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखते हैं वो भी उसी सेटिंग में जो है वो फॉल इन हो जाता है, जिससे आपका टेक्स्ट खराब हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 50 तो देखें वहीं पर वो टेक्स्ट जो है वो स्पीस हो गया। अगर मैं इसको फिर से कर देता हूं 200 वहीं पर टेक्स्ट देखें स्ट्रेच हो गया। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको यहां पर 100% ही रखना है। ये था अप एंड डाउन यानी वर्टिकल, राइट साइड पे ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको 200 करता हूं तो देखिए राइट साइड पे जो है स्ट्रेच हो गया, और इसके बाद अगर मैं इसको 20 कर देता हूं तो देखिए वहीं पे स्क्वीज हो गया। इसको नॉर्मल करने के लिए मैं 100 कर देता हूं तो ये फिर इसका स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो आएगा, यानी कि 100% एक्यूरेट जो है वो होगा। ये सर आपने किस की को छेड़ा है तो ये ऑप्शंस आई हैं? ये देखिए ये कंट्रोल टी करने से जो करेक्टर की ऑप्शंस ऑन हो रही हैं, तो वहां पर ये मेरे माउस को देखिए, माउस का पॉइंटर जहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, ये 100% है। ओके जी, अब नेक्स्ट देखिए यहीं पे ये देखिए ये जो जी है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कीजिए, कर्सर आ जाएगा, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसको सिलेक्ट कीजिए। यहां पर देखिए ये इसकी है पोजीशन बेस लाइन शिफ्ट, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो देखिए माइनस करते हो तो वो डाउन में जा रहा है, माइनस अगर आप -30 लिख देते हो तो देखिए फिर डाउन हो गया, और अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो यहां से आप अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर आप इसको एरो की से क्लिक करके अप करोगे तो देखें वो अपसाइड हो रहा है, देखिए अगर मैं इसको डाउन एरो की से करता हूं तो उसकी रेशियो कम होती जा रही है और वो माइनस में जा रहा है, तो वो जी जो है वो माइनस में हो जाएगा यानी डाउन हो जाएगा, और ये है अप, स्टैंडर्ड इसका जीरो। और अगर यही हम इसको अंडरलाइन करना चाहें तो जी मैं अंडरलाइन के ऑप्शंस भी आपको बताता हूं। अंडरलाइन के ऑप्शन जो है वो ये देखिए बॉटम पे राइट से सेकंड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें तो देखिए ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप राइट वन ऑप्शन को लेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, देखिए अंडरलाइन ऑफ सेंटर में लाइन। कितने स्टूडेंट्स को, कितने आप लोगों को पता है कि ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन काफी इस्तेमाल की जाती है? किस किस को आइडिया? नहीं पता था जी, सब एनुअल रिपोर्ट में किसी की वो जो बनाते हैं क्या, वो क्या बनाते हैं भाई, तो जो एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं इस कंपनी की, तब ये कुछ ऐसा करते हैं। सर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो फिर रहने दो। स्पेसिफिक किसी चीज को भाई स्टेबल बताओ,
वाइज यस सर बताओ स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू मतलब कब यूज होता है जब कोई आपने आपने कोई ऑफिस का काम किया और उस वहां पे जो कोई आपने चेंजिंग करके उसकी जगह आ गए आपने कुछ और लिखना है या करेक्शन कोई करनी है तो जो आपके सीनियर या जो भी होता है उसको स्ट्राइक करके अपना हां जी इसको मैं ठीक तरीके से बता देता हूं ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है मोस्ट ऑफ टाइम के जब करेक्शन की जाएगी किसी भी सेंटेंस की लेटर की या कहीं पर भी तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या किया जाता है उसको खत्म नहीं किया जाता बल्कि उसको स्ट्राइक थ्रू करके यानी कि ये कट कर दिया जाए आगे उसकी करेक्शन जो लिखी होती है उसको ऐड ऑन किया जाता है तो ये डिक्शनरी में ये काफी यूज हुआ है डिक्शनरियों में देखा हुआ है ये हाँ जी बिल्कुल क्योंकि डिजाइनर को जिस वक्त चेंजिंग्स की ईमेल आती है कि डिजाइन में ये तब्दीली करें तो ईमेल में या उस जो आप भेजते हो उसमें करेक्शन इसी तरीके से मार्क की जाती है कि यहाँ पर इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया जाता है yes, और आगे उसकी जो है ना करेक्शन लिख दी जाती है तो मोस्टली क्लाइंट्स आपको ईमेल के ऊपर जो है वो चेंजिंग्स जो है वो सेंड कर देता है ठीक है जी इसलिए स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है ओके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें इसको हम ऑफ करते हैं ठीक है ऑल कैप्स यानी ऑल एबीसी में और यहाँ से स्मॉल कैप्स यानी कि स्मॉल लेटर्स में ही कैपिटल वर्ड्स जो है वो यूज किए जाएंगे अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा है और आपको कैपिटल लेटर्स चाहिए तो आप ऑल कैप्स की ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हो चाहे वो एक सेंटेंस ही क्यों ना हो चाहे वो एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो जिसमें 100 लाइंस लिखी ओके इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2O पता तो होगा ये फॉर्मूला किसका बहुत आसान है okay. और अगर मैंने यहाँ पे 23rd लिखा है तो क्या H2O मैंने ठीक लिखा है और 23rd ठीक लिखा है नहीं सर गलत नहीं सर इसमें 2 जो है 2 नीचे आएगा जी 2 नीचे आएगा इसकी वैल्यू होगी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट सब करेंगे तो नीचे यस सर और जिसको सुपर करना है ऊपर करना है उसको करेंगे सुपर स्क्रिप्ट देखिए अब ये फॉर्मूला भी ठीक हो गया और ये वाली एक्यूरेसी भी ठीक हो गॉट इट जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं वहां पर ये ऑटो सेटिंग में मौजूद होते हैं डिजाइनिंग में ये आपको खुद से जो है वो अप्लाई करवाना होगा कि आपने वैल्यूज और पावर जो है जिसको भी लेकर जाना है इवन के ये देखिए अगर मैं जी को सिलेक्ट कर लेता हूँ देखिए सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ठीक है मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं या काम जहां पे वर्किंग प्रॉब्लम आ रही होती है ये देखें आपके पास ये आपने अप्लाई क्या किया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट पूरे वर्ड को कर दिया तो जब आप इसमें ऐड करते जाएंगे देखिए मैं टेक्स्ट ऐड करता जा रहा हूं तो सुपर ऐड ही हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब आप इसको ऑफ करेंगे तो टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाता है तो ये आपने टेक्निकली देख लेना है कि ये ना हो कि आप इनको ऑप्शंस को बिना जरूरत इस्तेमाल कर लें जिसकी वजह से आपके टेक्स्ट को या डिजाइन को प्रॉब्लम हो जी समझ आई यस सर अब हम मजीद स्टडी करने के लिए पैराग्राफ के ऑप्शंस को मैं यहां से कुछ पैराग्राफ जो है वो टेकअप कर लेता हूं आप भी गूगल से जाके विकिपीडिया से कुछ पैराग्राफ ले सकते हैं ताकि प्रैक्टिस की जा सके देखिए मैंने एक पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लिया आपको इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस है ना वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की नजर आ रही होंगी देखिए जैसे ये 23rd ऊपर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है ओके मैंने एक यहाँ पर शिफ्ट ओ प्रेस किया और एक नया आर्ट बोर्ड ले लिया अब पहले हमने जो प्रैक्टिस की थी वो हमारी थी किस पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट के ऊपर अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं वो क्या है कि हमने आर्टिस्टिक नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स ड्रॉ किया और यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो आपने पेस्ट कर दिया ठीक है जी देखिए सेटिंग जो की हुई थी उसके मुताबिक ये देखिए मैंने ये सेटिंग ले ली फॉन्ट साइज भी हम नॉर्मल ले लेते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके जी टेक्स्ट मैंने वहां से कॉपी कर लिया आप देख रहे हो यस सर ये एक पैराग्राफ
अब जरूरी नहीं कि ये पैराग्राफ में पैराग्राफ के ऑप्शन यूज करेंगे, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ से लीडिंग ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की करता हूँ, उसमें भी स्पेसेस आ रही हैं, लाइन स्पेसिंग, लीडिंग स्पेसिंग। अब करता हूं तो देखें लीडिंग स्पेस कम भी हो रही है, ठीक है। राइट एरो की करता हूं तो देखें स्पेसेस उसमें भी ऐड हो रही है, लेटर स्पेसेस यानी ट्रैकिंग। लेफ्ट करता हूं तो उसमें वो भी ऐड हो रही है। ये जरूरी नहीं कि आर्टिस्टिक वाली पैराग्राफ में नहीं इस्तेमाल हो सकती, उसको ऐड नहीं किया जा सकता। ये देखिए मैं कम से कम कर रहा हूं, देखें टेक्स्ट आपका ठीक है। एक टेक्निकल चीज देखें, लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी एक डुप्लीकेट रख लेता हूं। ये देखिए मैंने इस टेक्स्ट को पूरे एक सेटिंग में मैंने ऐड ऑन कर दिया और इसमें मैंने ऐड कर दिया ये देखें स्पेसिंग को, अल्फाबेट्स जो है वो कंप्लीट वो देखिए उसके ऊपर एड ऑन हो गए। मैंने यहां से इसको जो है वो ओपेसिटी कम कर दी और इसमें एक बॉक्स लगाया, बॉक्स की ओपेसिटी या कलर जो है वो भी मैंने कम किया। इसको थोड़ा सा एंगुलर कर देता हूं। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक डिजाइन एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो और अपने डिजाइन को जो इस तरीके से आपकी बैकग्राउंड टेक्स्ट की बैकग्राउंड भी बन गई और उसी टेक्स्ट को चाहे आप यहाँ पर पुटअप भी कर दें, उसका कलर भी चेंज कर दें। ये देखिए कोई एजुकेशन या स्कूल का कोई नोटिस आपने लगाना हो तो मतलब उसके लिए ही यूज हो सकता है। जरूरी नहीं स्कूल का नोटिस हो, आप सर्टिफिकेट्स ऐसे बना सकते हो, आप एनुअल रिपोर्ट की बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, आप न्यूज़लेटर बना सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक लेआउट बता रहा हूँ कि हमने ट्रैकिंग स्पेस को एनलार्ज किया, पीछे स्पेसेस हमारे पास मौजूद है, वही टेक्स्ट आपने उसमें प्रेजेंट किया हुआ, यानी कि लेआउट की सेटिंग बता रहा हूं कि आप इस तरीके से लेआउट भी बना सकते हो। यस सर, गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट चलें? चलें सर। अच्छा मैं कंट्रोल सी करके जो है वो वापस आता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं जी, और ये मैंने जो कॉपी रखी ये आपके साथ। अच्छा जी, लाइन स्पेसिंग देखें, अगर मैं इस कैनवस में इस आर्ट बोर्ड पे जो मैंने पैराग्राफ डिजाइन किया है अगर मैं राइट साइड से इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो देखें आपकी लाइंस कम हो रही है क्योंकि उसमें लाइंस का इजाफा होता जा रहा है ना, क्योंकि हॉरिजेंटल वो लाइंस बड़ी होती जा रही है। अगर मैं कम करूंगा तो ये देखें वो लाइंस यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। अब इस बॉक्स में देखिए कि अगर मैं इसको मजीद कर देता हूं, मजीद टेक्स्ट होगा तो बॉटम पे प्लस का साइन एक दिखाई दे रहा है रेड कलर, या न्यूज़लेटर बना रहे हो तो ये आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफ करोगे, अदरवाइज इसको ऑफ नहीं करोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स की साइज जो है वो कम होता है आगे चल के, जब हमने न्यूज़पेपर की सेटिंग पढ़नी है तो उसमें इसको ऑफ नहीं किया जाता वरना स्पेसेस बहुत ज्यादा ऐड हो जाएंगे। ये टेक्निकली आपने पूछ लेना है क्लाइंट से कि इसको अगर हम ऑफ करें तो सेटिंग्स आपके ठीक है और अगर टेक्स्ट ज्यादा है तो आप इसको ऑन भी रख सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं इंडेंट ऑप्शंस की तरफ। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये पैराग्राफ ऑप्शंस जो हैं वो पैराग्राफ रियल पैराग्राफ या स्टैंडर्ड पैराग्राफ किस स्टाइल में होता है? जी किस किस को पता है? सॉरी सर क्या कहा आपने? स्टैंडर्ड पैराग्राफ की लुक्स कैसी होती है, क्या होता है वो पैराग्राफ? सर वो स्टार्ट से थोड़ी स्पेस के बाद शुरू होता है जी, पहली लाइन जो होती है वो उसमें इंडेंट मौजूद होता है। ये देखिए ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अगर मैं पहली वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ, 10 पीटी ऐड करता हूँ तो देखिए लेफ्ट वाले एरिया से तमाम लाइंस राइट साइड पे हो। मैं इसको ज्यादा करता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते। देखिए मैं 30 अप्लाई करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड से उसने मार्जिन जो है वो स्पेस दे दी और ये राइट साइड से है। अगर मैं यहाँ पर भी 30 लिखता हूँ तो देखें उस पैराग्राफ मार्जिन में राइट और लेफ्ट स्पेसेस निकल आई
ऐसा ही है। अब हम इसको करते हैं फिर से जीरो और ये भी जीरो। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये अगर मैं 30 करता हूं तो पहली पहली लाइन पैराग्राफ की वो एक एक स्टेप आगे हो गई। इसको बोला जाता है टैब्स या इंडेंट ऑप्शंस। ठीक है, देखिए मैं इंक्रीज करता हूं, ये देखिए मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं। इसको मैं डायरेक्टली 60 लिख देता हूं, देखिए स्पेस ज्यादा हो। ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश पैराग्राफ स्टाइल है। आपको पता है ना पाकिस्तान में कौन सी इंग्लिश जो है वो एजुकेशनल पढ़ाई जाती है? किसी को नहीं पता? यूनाइटेड अमेरिकन सर। और नहीं भाई ब्रिटिश सर। अच्छा जी, अब हम अगर यहाँ पे इसको जीरो कर दें तो देखें ये वापस आ जाएगा, और अगर हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, -30 कर देते हैं तो देखें वो मार्जिन से बाहर भी जा रहा है। एसी बंद कर यार। जीरो करते हैं तो ये देखिए ये आपके सामने फिर स्टैंडर्ड, और ये वाली ऑप्शंस जो हैं ये स्पेसेस देंगी आपके पैराग्राफ के दरमियान। ये देखिए पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आ रही, ये देखिए आप उसको कम भी करना चाहें तो वो कम भी कर सकते हैं, इवन के माइनस में जाकर स्पेस कम या ज्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें ये आपके सामने अगर एक पैराग्राफ अप एंड डाउन होगा तो प्रीवियस वाले का स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास है पैराग्राफ सेटिंग्स। बात बनी ऐड है इसके अंदर कौन सर? बनी एक लड़का है वो ऐड है? नहीं कोई नहीं बनी नहीं है। बनी ने मुझे मैसेज बनी नहीं है यार, मुझे इनविटेशन भेजो। कमाद है उसने आगे केजीएफ लिख लिया। नहीं यार वो बनी लड़का है। बिनियान जी आपके पास 9 मिनट्स हैं, पूछे क्वेश्चन कीजिए, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। अभी हमने आखिरी 2-3 मिनट्स में कुछ चीजें और भी करनी है, पहले वो कर ले फिर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। यस सर। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने ये देखिए ये मेरे पास एक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको, लाइंस ब्रेक कर देता हूँ, फिर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये मैंने लाइंस जो है वो ब्रेक कर दी। ठीक है, ये तो था हमारे पास पैराग्राफ। अब यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ तो नहीं है लेकिन लाइंस मौजूद है, तो यहाँ पर भी मैं ये ऑप्शन जो है राइट सेंटर राइट और ये चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्टिफाई करूंगा तो वो तो आपको पता है, फिर मार्जिन होगा तो उसके मुताबिक जस्टिफाई होगा। ठीक है जी, तो इन लाइंस को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें भी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स अप टू यू, कैपिटल स्मॉल सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अंडरलाइन और ये स्ट्राइक थ्रू। अच्छा जी, इसके बाद ये देखिए ये मेरे पास एक ये एक लिखा हुआ है फॉन्ट, एक फॉन्ट जो कि मेरे पास मौजूद है। अब जरूरी ये है कि आप इसमें ट्विस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि ये फॉन्ट जो है ये हर दूसरा बंदा पढ़ लेगा या तलाश कर लेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहां पर एक फॉन्ट है जी, ये देखिए कैलवरी, उसका मैंने बोल्ड फॉन्ट ले लिया है। ठीक है जी, बोल्ड फॉन्ट ले लिया। अब ये कैलवरी कोई भी देखकर आइडिया लगा सकता है जी कैलवरी है या सर्च आउट कर सकता है, इज दैट ट्रू? यस सर। टू ऑल इज दैट ट्रू? यस सर। अब देखिए आपने एज अ डिजाइनर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट देना है कि आप इसमें कोई क्रिएटिविटी लगाई है। आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करें तो इसकी ऑप्शंस आ रही हैं क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, क्रिएट आउटलाइन, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट की दुनिया से निकल गया, अब ये आपके सामने एज अ ऑब्जेक्ट मौजूद है। राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर लें, ये देखिए हर एक लेटर जो है वो अलहदा अलहदा हो गए, अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये फिक्स्ड ऑप्शंस में आ गया। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको उठाकर ऊपर रखें, ये देखें मैंने इसकी एक डुप्लीकेट ली, उसको डुप्लीकेट करके मैंने यहां पर इसको जो है वो व्हाइट कर दिया और इन दोनों को ऊपर ले आया। ऊपर लेने की ऑप्शन भी आपको पता है, देखें ओ
वर्किंग का डब्ल्यू ओ बड़ा ट्रिकी सा हो गया। अब ये देखें, ये आपके पास आर है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये देखिए किसी एक एंकर पॉइंट को जनरेट किया, वहां से मैं इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ और उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूँ, इसको भी मैंने इसके पास कर दिया, के पास आता हूँ, इसको भी नजदीक कर दिया, इसमें से भी मैंने एक ऑप्शन को इस तरीके से अप्लाई कर दिया। ये देखें मैं W की ऑप्शंस में भी ये चीज अप्लाई कर देता हूँ सेंटर पॉइंट्स। ये तो वही कर्व भी हो जाता है ना, क्या कर्व? कर्व जी जी कर्व हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये देखें ये आई, इसको भी राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड कर दें, इसको ये निकाल दें, यहाँ पर ये रख लीजिए, या इस आई को यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। ये कैसे किया? क्या दोबारा करना है एक बार? ये देखिए आई वाला, ये आई है ना, ये आई अभी एक दूसरे के साथ अटैच है, इसको राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड कर दें, ठीक है। इसको मैंने साइड पे कर दिया और आई एन जी आई एन का जो ऑप्शन थी इसी तरह से मैंने उसको अप्लाई कर दिया और उनको यहाँ पे देखें। अब ये देखें बड़ा ही क्रिएटिवली आपको यहाँ पर वर्किंग जो है वो दिखाई दे। ये देखिए ठीक है, अब nobody can judge कि ये हमारे पास किस फॉन्ट में लिखा हुआ है। वो कहेगा ये तो बड़ा ट्रिकी सा है, ढूंढेगा ट्राई करेगा, या उसको इसको क्या करना पड़ेगा, पेन टूल से इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो बहुत आसान, एक बार मैं जल्दी से रिपीट करने लगा हूं, किसी भी टेक्स्ट को उठाएं लेकर आए और राइट क्लिक करें क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक अनग्रुप करने के बाद आप इसको जो है वो जहां चाहे सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसको यहाँ रख लिया, इसको आपने यहाँ रख लिया, इसको आपने यहाँ रख लिया। नेक्स्ट क्लास में हमने टाइपोग्राफी भी स्टडी करनी है, टिपिकल टाइपोग्राफी। जरूरी नहीं कि अगर आपने इसको अटैच किया है फिर इसको भी अटैच करें, इसको भी यहाँ अटैच करें, इसको ऐसे अटैच करें। अनग्रुप क्यों करते हैं इसको? इसलिए ताकि अगर आपके पास अनग्रुप नहीं करेंगे तो सेपरेट सेपरेट लेटर्स को कैसे उठाओगे जी सर? ओके, तो आप जिस वक्त इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देते हो तो ये फिक्स है, देख रहे हो, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और फिर साइड पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करोगे तो हर एक लेटर जो है लहदा लहदा होगा। ओके सर जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जी कि आपने किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को हैंडल कैसे करना है, उनकी ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, इवन के आप किसी भी एक यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक को आपने डिफरेंट कलर से जो है वो ओके जी, यू हैव 3 मिनट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। सो ये राइट साइड पे प्रॉपर्टीज में ये कहाँ ऑप्शन आते हैं? मुझे मेरे से ये ऑप्शन नहीं आ रही, प्लीज इसके लिए गाइड करें। वो आपने एसेंशियल कर लिया था, एसेंशियल क्लासिक एसेंशियल क्लासिक नहीं आपने बताया नहीं, शायद मैंने स्टार्ट में आई नहीं जी। एसेंशियल क्लासिक वो राइट साइड पे टॉप पे देखें, एसेंशियल लिखा होगा जी, बिल्कुल 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 आ गया। क्लिक कीजिए और उसमें एसेंशियल क्लासिक के ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, आपकी प्रॉपर्टीज और सारा कुछ आ जाएगा जी। उसमें लेआउट एसेंशियल क्लासेस और ये ऑटोमेशन ये आया हुआ है एसेंशियल क्लासिक के ऊपर। सर आप बताने लगे थे फॉन्ट्स का, उनकी उनके एग्जाम का जो, हाँ हाँ, एक चीज, फॉन्ट्स हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स होते हैं जी, एक हमारे पास होता है सेरिफ फॉन्ट्स, एक सैन सेरिफ, उसको नॉन सेरिफ भी बोला जाता है, सैन सेरिफ भी बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट लगा देता हूँ, ये देखिए एरियल,
और ये मेरे पास फॉन्ट लगा हुआ है, इस तरह के और भी हैं, मैं फिल वक्त इसको आपको पहचान करने के लिए ये टाइम्स न्यू रोमन। तो देखिए वो फॉन्ट्स जिनके कॉर्नर्स डिफाइन हुए हो, देखिए ये, देखिए ये हमारे पास डिफाइंड है, तो दिस इज कॉल्ड सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, और ये दोनों कैटेगरीज जो हैं सबसे ज्यादा फॉन्ट्स में मौजूद होती हैं। फिर इनकी कंडीशंस आ जाती है कि वो कंडेंस्ड हैं, वो डेप्थफुल हैं, वो थिन हैं, वो लाइट हैं, वो इटैलिक हैं, वो दैट इज सेपरेट, वो हमारी फैमिली में मौजूद होते हैं। लेकिन फॉन्ट्स की दो कैटेगरीज, एक सैन सेरिफ और एक सेरिफ फॉन्ट। तो सर इनका अलग अलग जो यूज है वो क्या, मतलब ये क्यों अलग अलग बनाए जाते हैं, इनको क्यों अलग अलग डिफाइन किया जाता है? देखें डिफाइन कार तोड़ देंगे, इसलिए नहीं किया जाता कि ये हम इसको यूटिलाइजेशन जो है हमारे सेक्टर ऑफ या प्रोफेशनली जिन ब्रांड्स के ऊपर यूज किया जाएगा वहां पर आप यूज करोगे। वैसे सैन सेरिफ जो है यानी कि जो डायरेक्ट फॉन्ट है वो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है, इसी तरीके से टाइम न्यू रोमन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास ये देखिए बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट भी मौजूद होते हैं, ये देखिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये भी फॉन्ट हमारे पास मौजूद है, ये देखिए ये हमारे पास स्टाइलिश फॉन्ट मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ये सेरिफ फॉन्ट है। सैन सेरिफ जो है वो कुछ डायरेक्ट होते हैं इन वर्किंग एनवायरनमेंट या एग्जीक्यूटिव वर्किंग या प्रेजेंटेबल या इस तरीके से जो वर्किंग प्रेजेंट करने के लिए हो तो उसके लिए हम फिर इसको यूज करते हैं। तो वहां पर भी आप इस्तेमाल करोगे। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपकी कॉमन सेंस के ऊपर चल रही है कि अगर एक फैशन इंडस्ट्री का काम आ गया उसमें स्ट्रेट फॉन्ट लगाओगे या थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट लगाओगे।